हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। बच्चों, मैथ्स शुरू कर रहे हैं आज से हम। और मैथ्स की बात जो है वो नंबर्स से ही शुरू होती है, राइट? सो दैट्स व्हाई मैंने रोमन नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। नंबर सिस्टम जो है हमारा वो रोमन नंबर से इसीलिए क्योंकि कई एग्जाम्स में मैंने रोमन नंबर्स के बारे में देखा है, तो मैंने सोचा नंबर सिस्टम से पहले रोमन नंबर के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कोई भी जो लैंग्वेज होती है हमारी, उसमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करा जाता है, राइट? जैसे डेसिमल नंबर हो गया हमारा, देवनागरी वाले नंबर हो गए, रोमन नंबर हो गए, बाइनरी नंबर हो गए, राइट? देखो, मैं जो बोला है मैंने उसको एक बार लिख के बता रहा हूँ क्या है। बेटा, जब जो आप ये 1 2 3 4 कहते हो ना, 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 9 या फिर जितने तक भी आप जाओ, इसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। दिस इज माई डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या प्रणाली, ठीक है जी। उसके बाद है मेरा, अगर मैं सभी नंबर्स को सिर्फ 0 और 1 से ही रिप्रेजेंट करना शुरू कर दूं, लाइक 0 और 1 इन्हीं दो के कॉम्बिनेशन से ही हर नंबर बने, उसको हम कहते हैं मेरा बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी, राइट? इसी तरीके से कई सारे सिस्टम होते हैं, लाइक ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, राइट? जैसे मैं कहूँ देवनागरी में जो हमारे न्यूमरल्स होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, ये 2 के लिए, 3 के लिए, ये 4 के लिए, राइट? खैर, इस चीज को साइड करते हुए जो हमारा मेन मुद्दा है आज का वो है रोमन नंबर्स। तो बेटा, जैसे ये 1 2 3 4 5 है, इसी इन्हीं के लिए कुछ सिंबल्स बनाए गए हैं इसमें रोमन नंबर्स में। जैसे जो मेरे डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 सिंबल्स हैं मेरे पास, और 10 के बाद जो है, जैसे मैं इसको 0 से स्टार्ट करता हूँ तो ये मेरा 9 के बाद 10 आएगा। 10 कैसे बना, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से। इसी इन्हीं ये जो 10 डिजिट्स है मेरी, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से जो है हमने आगे वाले नंबर बनाए हैं, राइट? लेकिन जो रोमन नंबर है उसमें भी कुछ सिंबल्स ही रहे होंगे, जाहिर सी बात है, राइट? तो उन सिंबल्स को समझते हैं और फिर हमारा जो डिस्कशन है वो आगे बढ़ेगा। देखो, एक बार मैं फॉरवर्ड कन्वर्जन करूंगा। फॉरवर्ड कन्वर्जन का ये मतलब है कि जैसे मैंने नंबर को लिखा डेसिमल नंबर में और फिर उसको कन्वर्ट करा मैंने रोमन नंबर में, और फिर वीडियो के एंड में हम लोग देखेंगे रिवर्स कन्वर्जन, यानी कि मैं रोमन नंबर्स में लिखूंगा और फिर उसको डेसिमल में आप कन्वर्ट करोगे, राइट? चलो जी, सबसे पहले जो बेसिक चीज है वो है हमारा सिंबल्स जो दिए गए हैं इसके लिए। देखो जी बच्चों, आई सिंबल दिया गया है 1 के लिए, ठीक है। वी जो मेरा सिंबल दिया गया है वो दिया गया है 5 के लिए, 5 के लिए, ठीक है। एक्स जो मेरा सिंबल दिया गया है वो दिया गया है 10 के लिए, 10 के लिए। उसके बाद जो मेरा एल सिंबल है, हालांकि ये 3 सिंबल जो है 1 5 10 ये आपने अपने स्कूल में पढ़ के आए होंगे 4th 5th क्लास में, ठीक है। लेकिन आगे के सिंबल और देख लो, अगर किसी ने पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो अब देख लो। L जो सिंबल है बच्चों वो 50 के लिए यूज होता है, L मेरा सिंबल है जो वो 50 के लिए यूज होता है, C 100 के लिए यूज होता है, C से सेंस आ रही है ना, अगर मैं हिंदी में 100 को बोलूं तो 100 कहते हैं, तो C 100 वो वाली सेंस आ रही है इससे। उसके बाद है जी मेरा D होता है मेरा 500 के लिए, और M जो है मेरा वो होता है 1000 के लिए, 1000 के लिए, ठीक है जी। अब कुछ चीजों का आपने ध्यान रखना है भाई, जैसे हम लिख देते हैं, मैं कहता हूं V, कोई ऐसे कर दे या ऐसे कर दे, देखो ध्यान से यूज करना है सिंबल्स को, क्योंकि ये जो लाइनें है ना ये आपका मीनिंग बदल देती हैं। देखो कैसे बेटा, ये V इसका मतलब है 5, 5, राइट?
लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एक लाइन लगा देता हूं जिसको हम बार कहते हैं या रेखा कोष्टक कहते हैं राइट हिंदी में, तो इसका मीनिंग देखो क्या हो जाएगा। ये जो लाइन है, ये जो बार है, ये आपके वी की वैल्यू, 5 की वैल्यू को 1000 टाइम्स यानी कि 1000 गुना बढ़ा देगा। 1000 गुना बढ़ाने का मतलब क्या है, ये v जो है मेरा 5 के बराबर था, v जो है मेरा 5 के बराबर था, लेकिन v बार जो है वो मेरा 5000 5000 के बराबर हो जाएगा राइट। इसलिए मैंने कहा था कि ये जो लाइनें हैं इनको ध्यान से यूज करना आपने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ रूल्स बता देता हूं मैं नंबर लिखने के, वो आपने ध्यान रखने हैं। देखो बेटा, जैसे आई है, आई का मतलब है 1। अगर मैं आई को 2 बार यूज करता हूं तो ये 2 हो गया, 2 हो गया। आई को 3 बार यूज करता हूं तो ये 3 हो गया राइट। किसी भी सिंबल को आपने 4 बार यूज नहीं करना है कंसेक्यूटिवली। ये नहीं है कि आप 4 बार आई लगा के और बोलो कि लो बन गया 4, नहीं ऐसा नहीं करना आपने। आपने मैक्सिमम कोई भी सिंबल जो है वो 3 टाइम्स 3 बार ही यूज करना है राइट। दूसरा काम क्या नहीं, क्या मैं बताऊंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है जी। पहली बात होगी मेरी कि मैक्सिमम 3 टाइम्स, अधिक से अधिक 3 बार जो है कोई भी संकेत कोई भी सिंबल यूज होगा। सेकंड थिंग, पहले मीनिंग समझ लो फिर लिखूंगा। जैसे मान लो 10 के लिए मेरे पास एक्स है, 10 के लिए मेरे पास एक्स नाम का सिंबल है। आप कहो कि सर क्या मैं वी और वी करके 10 बना लूंगा, नहीं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 10 के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक सिंबल है राइट। तो अपनी तरफ से नया कॉम्बिनेशन नहीं फिट बिठाना है। जो जैसे कोई भी नंबर जब मैं आपको दूंगा तो जो बड़े से बड़ा सिंबल उस नंबर के आसपास अवेलेबल है वो आपने यूज करना है राइट। और देखो इन द सेम वे मैं कहूं कि 100 आपसे बोलूं तो 2 बार एल एल नहीं यूज करना है, ठीक। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, उससे फिर आपकी चीजें और भी क्लियर होती चलेंगी। हाँ जी, मैंने कहा 5 हो गया, उसके बाद हाँ दूसरी चीज और एक और रहेगी, तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है वो और सुन लो बेटा। जितने भी सिंबल है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे जाएंगे। कोई भी नंबर है उसका जो रोमन फॉर्म है वो आप हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे राइट। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे, मान लो मुझे 60 लिखना है, मान लो मुझे 60 लिखना है, तो 60 में आप इसको कैसे तोड़ोगे भाई, 50 प्लस 10। बेटा 50 प्लस 10 में मैंने क्यों तोड़ा, क्योंकि 60 के लिए मेरे पास कोई सिंबल नहीं है। मेरे लिए मेरे पास जो सिंबल है वो किसके लिए है, 50 के लिए है और 10 के लिए है राइट। इसीलिए मैंने इसको 50 प्लस 10 में तोड़ा। अब 50 के लिए मेरे पास सिंबल है L और 10 के लिए मेरे पास सिंबल है X। तो बच्चों आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है अवरोही क्रम, उतरते क्रम, ठीक है जी। यानी कि उतरते क्रम यानी कि पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और चलते जाओ ऐसे, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा जी LX। कभी भी आप इसको एक्सेल मत करना, क्योंकि एक्सेल करोगे तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। क्या मीनिंग हो जाएगा देखो, अगर सीक्वेंस ऐसे है कि भाई बड़ा नंबर फिर छोटा, तो हम ऐड करते चलते हैं 50 प्लस 10। अगर सीक्वेंस में छोटा नंबर आगे लिखा गया है इसका मतलब माइनस करना होता है हमने। एल का मतलब है 50, एक्स का मतलब है मेरा 10। अगर एक्स एल के पहले लग गया इसका मतलब मुझे 50 में से 10 को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि एक्स एल की जो मेरी वैल्यू है वो मेरी 40 हो जाएगी। एक्सेल साइज की टी शर्ट पहनोगे ना, वैसे वो बड़ी होती है लेकिन यहाँ पे एक्सेल छोटा हो जाएगा, ठीक है जी। चलो एल एक्स से छोटा हो जाएगा एक्सेल। देखो और बढ़ो आगे, ये तो सभी जानते हैं, फोर्थ क्लास, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। देखो वी लिखा, वी यानी 5,
अब आई नाम का जो सिंबल है वो वी से छोटा होता है, आई जो सिंबल है वो वी से छोटा छोटा है। अब देखो आई को, बेटा देखो वी है 5, आई है मेरा 1। जो बात अभी 60 के केस में मैंने बताई थी, 60 और 40 लेके जो मैंने बताया था, उसको अब मैं छोटे फॉर्म में बता रहा हूं। वी का मतलब है 5, आई का मतलब है 1। इस आई को अगर लेफ्ट में लेता हूं, अगर इस आई को लेफ्ट में लेता हूं तो मीनिंग है 5-1 यानी कि 4, और इस आई को अगर मैं राइट में लिखता हूं एंड तो मीनिंग है 5+1 यानी कि 6। ठीक है जी। उसके बाद एक बार मैं ना थोड़ी सी आसान आसान से नंबर लेता हूँ, फिर फ्लो बनने के बाद कोई समस्या नहीं आएगी आपको। जैसे छोटे बच्चों को नहीं सिखाते कि 11, 12, 13, एक बार 20 तक पहुंचा दिया, फिर भाई हम कहते हैं कि बेटा 20 के आगे 1, 22, 1, 2, 3, 9 तक चलते जाना है, फिर हम कहते हैं भाई 30 है ना, अब 30 के आगे 1, 2, 3, 4 लगातार चला जाए, राइट। तो सेम काम यहाँ पे भी करना है आपने। देखो तो एक बार मैं फ्लो बनवा देता हूँ वैसा ही बच्चों वाला। देखो अब अगर 7 की मैं बात करूं, 7, तो वी आई आई, 8 के लिए क्या होगा, वी और आई को 3 बार लिखोगे जी, राइट। अब 9 के लिए क्या करोगे, वी के साथ 4 बार आई मत लगा देना, वी के साथ 4 बार आई मत लगा देना, क्योंकि मैं ऑलरेडी मना कर चुका हूं आपको कि कभी भी कोई सिंबल 3 से ज्यादा बार आपने यूज नहीं करना है। तो फिर क्या करें जी, फिर आप एक काम करो, 10 के लिए क्या यूज करते हो, एक्स, तो वही काम यहां करो, एक आई इसके पहले लगा दो, बन गया आपका 9। ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। चलिए तो आगे और एग्जांपल है हमारे, देखिए बेटा मैं लिखता हूं 16, 16। अब 16 के लिए देखो क्या करोगे, इसको आप सिंबल्स में तोड़ो जो मेरे पास अवेलेबल सिंबल्स हैं। मैं इसको कह सकता हूं 10+5+1। अब आप कहोगे कि सर ये तो आप कुछ लेंथ ही सा कर रहे हो, बेटा लेंथ ही नहीं है, एक बार गाड़ी अगर अच्छे से ट्रैक पे चढ़ गई ना फिर ये चलेगी बढ़िया राजधानी की स्पीड से, राइट। चलो तो मैंने बताया किसी भी नंबर का रोमन कन्वर्जन आप करोगे तो आप क्या करोगे, देखो कि उसके आसपास, उसके ऊपर या उसके नीचे मैक्सिमम अवेलेबल जो मेरे पास नंबर है वो कौन सा है, सिंबल जो अवेलेबल है रोमन की फॉर्म में वो कौन सा है। तो अब 16 के पास जो है वो 10 है, राइट। तो मैंने इसको लिखा 10+5+1। अब 10 के लिए मेरे पास है एक्स, 5 के लिए है वी और 1 के लिए है आई, तो ये मेरे पास हो गया एक्स वी आई। ठीक है इसी तरीके से मैं आपसे कहता हूं कि जी बताओ 19 के लिए क्या होगा। अब 19 को देखो आप क्या लिख सकते हो, 10+5+4 तो कर नहीं पाओगे क्योंकि मैंने कहा था कि 4 नहीं चलता है, तो 10+10 ये 20 हो गया, -9 कर 1 कर दो, राइट। या फिर आप ये कह सकते थे कि 10+9 कर लो डायरेक्ट, क्योंकि 9 का तो आप समझ चुके हो कि 9 के लिए आई एक्स लिखना होता है हमें, तो ये मेरे पास आ गया एक्स, 10 हो गया और एक्स और ये आई, ठीक है ये मेरे पास आ गया 19 यानी कि 19। ठीक है जी आगे बढ़ो। फिर मैं कहता हूं कि बताओ भाई 24 के लिए क्या सिंबल होगा, 24 के लिए देखो भाई कैसे ब्रेक करोगे 24 को, 24 को आप ब्रेक करोगे 10+10+4। ठीक है अब 10 के लिए x, 10 के लिए x और 4 के लिए v और उसके आगे i, ये आपका आ गया 24। ठीक है जी अब एक चीज और समझ लो बेटा, इसमें ये मैंने छोटे छोटे से नंबर ले लिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ इसको, थोड़ा सा एडवांस करूंगा फिर और एडवांस करेंगे इसमें। मैं आपसे पूछता हूं कि 22 का बताओ, अच्छा एक चीज और समझो पहले, 22 के से पहले इसके आगे मैंने 1 और लगा दिया, 122 का देखो सीधा, देखो 122 को मैं क्या लिख सकता हूं,
ये बेसिक अभी चलेगा ऐसे ही, 100 प्लस 20 को लिख लो 10 प्लस 10 प्लस 2। अब 100 के लिए देखो 22 तो लिखना आपके लिए बहुत ही आसान था, मुझे पता है कि 22 को आप बड़े आराम से लिख लोगे, मैंने जानबूझ के इसके आगे वन लगाया है 100। देखो क्या करो भाई, 100 के लिए एक सिंबल है मेरे पास C, शुरू में ही बताया था 100 के लिए सिंबल है C। जैसे ही आपने C लिखा तो ये काम खत्म हो गया, 1 का 122 था जो, उस यहां का तक का काम खत्म हो गया। अब आपको सिर्फ चिंता करनी है कि 22 को कैसे लिखूं, 22 को मैं कैसे लिखूं। तो भाई 22 को कैसे लिखोगे, x x और i i, ये लो जी 122 आ गया आपका। अरे क्या हो गया भाई, ये आपके पास आ गया 122 122। हां जी मैंने लिखा था 68 का देखो, मैंने बताया था भाई 50 के लिए मेरे पास L है। अब 50 तक का तो काम हो गया, अब बचे हुए 18 को मैंने लिखना है तो कैसे करूंगा, ये लो जी ये X लिखा तो 10 आ गया, यानी कि 50 प्लस 10 60 तक का तो हो गया, ये लो जी 5 और आ गया 65 हो गया, आई आई और आई, ये आ गया आपका 68 राइट। उसके बाद है मैं कहता हूं आपको कि लिखो जी 92 के लिए। अब बेटा 92 में आप देखो, 92 के पास जो बड़े से बड़ा सिंबल अवेलेबल है मेरे पास वो कौन सा है, 100, क्यों, क्योंकि 50 से तो ज्यादा दूर हो गया है ना। तो C 100 लिखो पहले, ये आपके पास आ गया 100। आपका टारगेट है अभी कि आप 90 के लिए सोचो क्या लिखूंगा, 2 के लिए फिर मैं लिख लूंगा बाद में, ठीक है। तो अगर मैं C के आगे एक X लगा दूं, मैंने कहा था बेटा बड़ा सिंबल फिर छोटा सिंबल फिर छोटा सिंबल, अगर बड़े सिंबल के आगे, बड़े सिंबल के आगे एक छोटा सिंबल लग रहा है, इसका ये मीनिंग है कि वो माइनस कर रहा है उसको, सब्ट्रैक्ट कर रहा है वो उसको। C 100 के लिए है, X 10 के लिए है, यानी कि ये 90 को रिप्रेजेंट करेगा, 90 को रिप्रेजेंट करेगा ये। अब आगे 2 को मैंने मैनेज करना है, तो I 2 बार लगा दो, हो गया जी आपका 92, ठीक है। उसके बाद देखो मैं कहता हूं 355, क्या करो, बड़ा ही आसान है जी, क्या है एक बार 300 के लिए लिख लो फिर 55 के लिए लिख लेना। देखो बेटा C 100 को रिप्रेजेंट करता है और मैंने कहा था कि किसी भी सिंबल को 3 बार तक हम यूज कर सकते हैं, तो ये मैंने लिखा C C और C, हो गया 300। अब 55 के लिए देखो क्या करेंगे, बड़ा ही आसान है, 50 के लिए सिंबल है मेरे पास L, ठीक है, और 5 के लिए सिंबल है भी, हो गया आपके पास 355, ठीक है। आगे बढ़ो, ये जी मेरे पास है नेक्स्ट 611। इनको मैं मिटा नहीं रहा हूं ताकि आप अभी वीडियो देखते देखते आपकी हेल्प हो सके, इसीलिए मैं इनको अभी इरेज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और लिख दू 2-3, 973 और 212 लिख लो, ठीक है। चलिए इनको अब डिस्कस करते हैं, एक काम करो बेटा वीडियो को पॉज करके और खुद से ट्राई करो अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में, ठीक है, और हम तो डिस्कस कर ही रहे हैं इसको। चलो देखो भाई, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अपनी कॉपी पे लिख लिए होंगे इनके रोमन फॉर्म, अब एक बार क्रॉस चेक कर लो सभी। हाँ जी, तो 611 611 भाई, 611 के पास सबसे बड़ा सिंबल क्या है, 500, तो मैं क्या लिखूंगा, डी, ये लो जी 500 तक का हो गया। अब इसके आगे मैं सी अगर लिख दूं, इसके आगे अगर मैं सी लिख देता हूं डी सी, तो ये मेरे पास आ गया 100, ऐड हो गया इसमें डी में, डी यानी कि 500 में, 500 में 100 जुड़ गया यानी कि 600 हो गया। और 11 को लिखना बड़ा ही आसान है, क्या, एक्स आई,
ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है 973। देखो आप क्या करा करो, जैसे 611 है ये, तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि यार पहले मैं 600 के लिए लिखूं कुछ, फिर मैं 11 के लिए लिख लूंगा आराम से। जैसे ये था 973, 973, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं 900 के लिए सिंबल बनाऊं एक बार, 900 के लिए सिंबल बनाऊं, 73 के लिए तो फिर आप आराम से कर ही लोगे। 212 है, आप सोचो यार 200 के लिए लिखूं सबसे पहले, 12 के लिए तो फिर आप लिख ही लोगे, ठीक है। चलो 973, तो 900 के लिए, 900 के लिए आप क्या करोगे, अगर मैं 1000 - 100 कर दूं तो मेरे पास 900 आ जाएगा। 1000 के लिए मेरे पास सिंबल है M और 100 के लिए मेरे पास सिंबल है C। तो ये देखो जी M और C, CM, C जो है वो M से छोटा सिंबल है, तो इसके आगे जब C लगेगा M के आगे, M की वैल्यू 1000 थी, 1000 थी, लेकिन इसके आगे जब मैंने C लगाया तो ये इससे 100 माइनस कर देगा, यानी कि ये 900 हो जाएगा, राइट। अब मैं लिखता हूं 73 के लिए, 73 को मैं 50 + 23 कह सकता हूं, तो 50 के लिए मेरे पास सिंबल था L, ठीक है जी, और X, X ये हो गया 970, और 3 के लिए है I 3 बार, ठीक है जी, ये आपके पास आ गया 973, राइट। अब 212 का कर लेते हैं ऐसे ही। सबसे पहला टारगेट आपका क्या रहेगा, 200 को लिखना, 200 को लिखना, वो कैसे करोगे आप, दो बार C लिख के, ये लो जी C, C। अब 12 के लिए लिखना तो बड़ा ही बच्चों अखिल है क्या, X I I, ये लो जी हो गया आपका 212 का, ठीक है। आगे देखो और दो चार एग्जांपल देख लो, एक बड़ा सा एग्जांपल और देख लो, बेटा जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल्स में आपको बताया था कि मैंने लिखना है 212, तो मेरा पहला टारगेट होता था 200 के लिए लिखना, फिर 12 के लिए लिखना, तो वही काम यहाँ पे है, सुनो मेरी बात। अगर ये मेरे पास ऐसे होता 655 होता, तो मेरा क्या रहता टारगेट, मेरा टारगेट रहता कि एक बार मैं 600 के लिए सिंबल बना लूं, फिर मैं 55 के लिए बड़े आराम से लिख लूंगा। यही काम आपने यहां करना है, एक बार जो सबसे पहला काम है आपका वो है 5000 यानी कि 5000 के लिए लिखना। अगर आपने ध्यान से देखा हो वीडियो, तो मैंने शुरू में ही बोला था कि अगर किसी सिंबल के ऊपर हम एक बार लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू 1000 गुना हो जाती है उसकी, राइट। तो 5 के लिए, 5 के लिए मेरे पास सिंबल था V, अब V के ऊपर अगर मैं बार लगा दूं तो ये मेरा बन गया 5000, राइट। उसके बाद आप इसको भूल जाओ, 5000 को आप भूल जाओ। अब मेरा अगला काम है 655 के लिए लिखना, तो 600 के लिए बताओगे क्या लिखूंगा मैं, 600 के लिए बड़ा सिंपल है, डी अगर मैं लिखता हूं तो ये 500 हो गया, और इसके आगे अगर मैं सी लगाता हूं तो ये मेरा हो गया 600, ठीक है। अब यहां तक का काम आपका निपट चुका है, 5600 आप लिख चुके हो, और अब आपका जो काम बचा है वो क्या है, 55 के लिए। तो 55 का देखो क्या करना है आपने, 55 के लिए भाई 50 + 5, एल सिंबल है मेरा 50 के लिए और वी सिंबल है मेरा 5 के लिए, 5 के लिए, राइट। तो ये आपके पास आ गया 5655। होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी आराम से। अब एंड में मैं क्या करता हूँ, रिवर्स कन्वर्जन करा देता हूँ आपको, मतलब रोमन में नंबर्स लिख रहा हूँ कुछ, और उसको आप डेसिमल में देखो कन्वर्ट करके फटाफट से। चलो जी, नंबर्स है मेरे पास सी एक्स एक्स आई आई, ठीक है, और दे ले लो एग्जांपल सी डी L और X, ठीक है, और एग्जांपल लो डी सी एल आई, फिर देखो M M C D I I। पर बेटा जैसे हमने
फॉरवर्ड कन्वर्जन करा था वैसे ही रिवर्स कन्वर्जन करना है। सोचने का तरीका देखो अब इस बार हमारा क्या है। देखो बेटा जैसे ही मुझे सी दिखा तो मुझे पता चल गया कि 100 की बात हो रही है, थ्री डिजिट नंबर है, 100 की बात हो रही है। एक्स दिखा मैंने इसमें 10 जोड़ दिया, भाई सी जो है वो मेरा 100 है, एक्स मेरा 10 है, 100 में 10 जोड़ दिया मैंने, 110 हो गया, फिर 10 जोड़ दिया 120 हो गया। आई 1 को रिप्रेजेंट करता है ये, आई फिर 1 को रिप्रेजेंट करता है। 100 जमा 10 110 जमा 10 120 और 1 121 और 1 122, ये आपके पास आ गया 122। बेटा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो इतना डिटेल में आपको लिखने की जरूरत है नहीं, राइट। ये तो मैंने इसीलिए बताया था कि ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फोर्थ फिफ्थ के बाद कभी रोमन नंबर से पहला पढ़ा नहीं होगा। रोमन नंबर का मतलब है कि 20-30 से ऊपर की बात, ये तो हम लोग रेगुलर में यूज करते ही हैं, आई वी एक्स ये तो चलता ही रहता है। मेन बात है ये एल सी डी एम इनकी, राइट। ये सिंबल एक बार ध्यान से याद कर लेना, इनको थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तभी याद हो जाएंगे, कोई इतनी लंबा चौड़ा खेल है नहीं है, ठीक है, इनको देख लेना एक बार। चलो अब बात करता हूं इसकी, हमारे सेकंड एग्जांपल की। देखो बेटा सी का मतलब है 100, सी का मतलब है 100 और डी का मतलब है 500। अब एक चीज नोट करो यहां पे, ये 100 प्लस 500 तो है नहीं, 100 जमा 500 होने वाला है नहीं ये, क्यों? क्योंकि बड़े सिंबल के आगे छोटा सिंबल लगा हुआ है, राइट। बेटा इसका ये मतलब हुआ कि ये जो कंबाइंड एक्सप्रेशन है ना, इसका मतलब 600 नहीं 400 है। मैंने कहा था बड़े सिंबल के पहले अगर छोटा सिंबल लग जाए तो वो डिक्रीज करता है उसको, वो सब्ट्रैक्ट होता है बड़े वाले में से। इस चीज की जो मेरे पास वैल्यू है वो 400 है। एल था मेरे पास 50 के लिए और एक्स था मेरे पास 10 के लिए, तो ये मेरे पास क्या बना 400, 400 प्लस 50, 450 और 10 ये हो गया मेरे पास 460, ठीक है। नेक्स्ट है डी सी एल आई वी, डी किसके लिए है बेटा 500 के लिए, सी 100 के लिए। अब देखो यहां पे प्रॉपर सीक्वेंस बन रही मेरी, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर है, बड़ा सिंबल छोटा सिंबल यानी कि ऐड हो जाएगा, या ये 500 में 100 ऐड करना पड़ेगा मुझे। एल है फिर मेरा, ये है 50। अब आगे यहां देखो आई 1 के लिए है और वी 5 के लिए। अब यहां पे भाई 50 प्लस 1 प्लस 5 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि छोटा सिंबल फिर बड़ा सिंबल, ये छोटा सिंबल इसके बड़े के आगे लगा हुआ है, इसका ये मतलब है कि ये 5 प्लस 6 नहीं, ये दोनों मिलके मुझे 4 का मीनिंग देंगे, तो यानी कि ये हो गया मेरे पास ये 650 654 654 आ गया मेरे पास, राइट। चलो अब लास्ट एग्जांपल है ये आज की क्लास का। हाँ जी, एम का मतलब होता है 1000, 1000, अगेन 1000, सी यानी कि 100, डी यानी कि 500। अब यहां पे फिर ये बात गौर करने वाली है कि डी के आगे सी लगा हुआ है, तो यानी कि ये दोनों मिलके मुझे 400 वैल्यू देने वाले हैं। यह चीज आपने ध्यान रखनी थी, क्योंकि डी के अगर बाद सी लगा होता तो मैं 500 प्लस 100 कर लेता, ये बात हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं यहां पे इसमें, तो ये दोनों मिलके मुझे 400 देंगे और ये 11 यानी कि ये मेरे पास बन गया जी 1000 2000 400 2402 बन गया ये, ठीक है। चलिए तो रोमन नंबर्स में बस इतना ही था बेटा बताने लायक, ठीक है। होप आपने वीडियो का एंजॉय किया होगा रोमन नंबर्स को, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।